चलिए जो कैश कॉलम ऑफ डबल ऑलवेज स्टार्ट्स विद द डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपका बिजनेस पिछले महीने भी चल रहा था तो कैश इन हैंड का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा जो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लो इस मंथ आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया है तो उस केस में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, आई विल बी पुटिंग इट टू कैपिटल अकाउंट। डिस्कस किया हुआ है कल और कल वाली इलस्ट्रेशन में ऐसा ही था। He started business on 1st December, I think. So we put it on debit side, but we wrote two capital account. First point, everybody agrees. Maximum point हमने discuss किया है, we will be just repeating it. कुछ नया होगा तो we will discuss it. Second, yes student. अगली बार में आपने याद रखना है, cash का हमेशा debit balance है. Always debit balance. True. ठीक है. Bank may have bank column may have debit or credit, ये भी true, लेकिन आपस में अगर assertion reason है तो it's not a reason. A is correct, R is also correct, but R is not the correct explanation of A. B option के साथ जाएंगे. क्यों ऐसा होगा? जरा ध्यान से देखो. Bank column may have debit or credit. It may be written on the debit side, two balance brought down if it will be having debit balance, or it may be written on the credit side if it will be having the credit balance. I will be writing my balance brought down. Aisa kyun hoga? Hamari life mein bhi ye rule apply hota hai. Whatever we have in our hand, that only we spend. Jo mere haathon mein hai ya jo meri pocket mein hai, utna hi spend karungi. Can I spend more than the money in my pocket? Kya main agar meri jeb mein paise kam hai, main zyada kharch kar sakti hu? ये कैश पे रूल अप्लाई होता है, इसलिए इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। मींस व्हाटएवर यू रिसीव दैट ओनली यू पे, इट मे बी इक्वल। ठीक है, हो सकता है कि इसका बैलेंस जीरो आए लेकिन क्रेडिट कभी नहीं होगा, मतलब कैश यू कांट स्पेंड इन नेगेटिव, कांट स्पेंड मोर देन द अमाउंट इन योर हैंड। जितना आपके हाथों में पैसा है उतना ही खर्च करोगे या उससे कम खर्च करोगे, कुछ ना कुछ तो बचा के रखोगे ना। तो आमतौर पर जीरो भी नहीं रहता, इसका डेबिट ही रहता है बैलेंस, समथिंग यू विल कीप इन योर हैंड, राइट। यहाँ पे क्या है, हमारे बैंक हमें ये फैसिलिटी देते हैं दैट वी कैन विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक मोर देन आर अवेलेबल बैलेंस। और आमतौर पे ये बिजनेसमैन पे होता है, पहले दोनों में केसेस डिस्कस करूंगी, इंडिविजुअल का भी और बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं होता, करंट अकाउंट होता। ठीक है, तो करंट अकाउंट में बिजनेसमैन ने बैंक से एक लिमिट पास करवाई होती है। लिमिट का मतलब क्या है, 5 लाख तक मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ। मान लो किसी एक महीने या किसी एक खास टाइम पीरियड में आपका बैंक में बैलेंस ही 2.5 लाख है, आपने पेमेंट 4 लाख की करनी है अपने क्रेडिटर को, सो 1,50,000 मोर यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर बैंक, क्योंकि आपकी लिमिट 5 लाख तक पास हुई। तो 1.5 लाख आप ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, देन यू कैन रिटर्न बैक टू द बैंक इन इंस्टॉलमेंट, राइट। और यही प्रोविजन आजकल हमें हमारे जैसे इंडिविजुअल्स को भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में बैंक मेरे को 40 दिनों की लिमिट देता है, ठीक है, तो उस अमाउंट को मैं खर्च कर लेती हूँ और इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को मैं वापस एवरी मंथ। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेडिट कार्ड। तो इंडिविजुअल्स को आमतौर पे क्रेडिट कार्ड मिलता है और जो बिजनेसमैन है वो बैंक से अपनी लिमिट पास करवा रहे थे। कई बार आपने आम भाषा में लोगों को बात करते सुना होगा, मेरी बैंक से लिमिट पास है, लिमिट मेरी इतनी अप्रूव हो गई। वो किस चीज की लिमिट होती है, आप अपनी अवेलेबल बैलेंस से भी ज्यादा पैसा विदड्रॉ कर सकते। So when you withdraw more from the bank, आपने negative balance in the bank, आपका 2.5 लाख से आपने 4 लाख withdraw किया, what is the overdrawn limit? 1.5 लाख. So that 1,50,000 you are liable to pay back to the bank, na? This is what we call bank overdraft. And bank overdraft is your liability. Being a liability, it will have credit balance. He will be giving you the nature of bank balance in the question. If he simply writes bank balance, your opening balance, bank balance means debit. If he writes bank overdraft means credit है, आपने उसे buy balance brought down. Any doubt to anyone? Whenever you overdraw the money from bank, then your available balance in the bank is going to be your liability. In that case, it will be written on the credit side. In case you just withdraw less than the amount available in your bank account, you will be having the debit balance. In that case, you will be writing it on the debit side of your cash book in the bank account. Any doubt to anyone? Both the points are clear about the balances. आगे चलते हैं, third point. अगला भी पता है, cash book is a prepared
ऑन द बेसिस ऑफ रियल अकाउंट. डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट. कैश का आना और चेक्स का आना डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. कैश का जाना और चेक्स का जाना, मतलब जब मैं चेक के थ्रू पेमेंट करती हूँ तो मेरा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. तो आम भाषा में अगर मैं बोलूँ डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट साइड ऑफ कैश और चेक है, और क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड ऑफ कैश एंड चेक है. विल यू एग्री? एक नेचर बताइए. डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज नेम्ड एज कैश साइड ऑफ कैश बुक, दैट इज रिसीट साइड. ठीक है, पी साइलेंट भी बोल सकते हैं, प्रनाउंस भी कर सकते हैं, रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, रिसीट भी बोल सकते हैं. ठीक है, और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज नेम्ड एज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. एग्रीड? अगले पॉइंट पे आओ. ऑल द रिसिप्ट्स इन कैश और चेक्स डिपॉजिटेड आर रिटन ऑन द रिसीट साइड इन द कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम रेस्पेक्टिवली. नाम भी लिखता तो हमें पता. व्हेन यू रिसीव चेक, वेयर विल यू रिकॉर्ड? आपको चेक मिला, आपको कैश मिला, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट कार्ड कम्स इन. जब आप पे करोगे, ठीक है, ये रिसीव है और डिपॉजिटेड. ठीक है, जब डिपॉजिटेड है तो कॉन्ट्रा भी बन सकता है. क्या डिपॉजिटेड? कैश डिपॉजिटेड इन. लेकिन अगर आपको सिंपली कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर या बंदे का नाम राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी. ठीक है, गीता एंड कंपनी ने आपको चेक दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी, दैट यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड. व्हेन यू पे चेक, When you make the payment in check, you call it checks. जब आप किसी को चेक इश्यू करोगे तो कौन सी साइड पे आएगा? पेमेंट साइड पे. ये भी क्लियर है, ये बात ना भी लिखता तो हमें पता. ठीक है, तो वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ES discussing. रिसिप्ट भी हो गया. फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मैंने दोनों बता दिए. फोर्थ में रिसिप्ट है, फिफ्थ में पेमेंट है. पेमेंट कहाँ पे आ रही है? कैश की पेमेंट क्रेडिट साइड पे, चेक की पेमेंट भी क्रेडिट साइड. आगे चलते हैं. कॉन्ट्रा इंटरेस्ट के बारे में ना भी करवाऊं तो भी चलेगा, बताया होगा. Contra entries are to be returned on both the sides of cash book. Beginning में मैंने आज discuss किया. आगे चलते हैं. There are only how many entries? Contra two. One is cash deposited into bank. Second is cash withdrawn from bank for personal use. Yes, for office use. अगर मैं personal use बोलती हूँ तो वो wrong है. Done. Contra entry. Done. आगे चलते हैं. अगला point भी बताया होगा. देखो जरा, when a deposited check is dishonored, it is credited to the bank column of cash book and customer account is debited and bank account is credited. Some examples here. Received a check from Kunal. Today is 26. मेरे को 21 को मिला. 21st August को I received a check from Kunal. Entry मेरी कब करी? Bank account debited. बस यही था. Check received from Kunal. मतलब उसी दिन deposit हो गया. उसी दिन डिपॉजिट हो गया तो चेक को चेक ही मानना है, बैंक कॉलम में डालना है. अगर सब्सिक्वेंटली होता तो मैं चेक इन हैंड मानती. आई एम अज्यूमिंग कि वी डिपॉजिटेड इट द सेम डे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कुना. आज 26 तारीख को मेरे को मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन मिली, जो आपने चेक हमारे पास जमा करवाया था वो डिसऑनर हो गया. व्हाट एंट्री विल पास? कुनाल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. सो यू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. सो ठीक लिखी ना उसने. व्हेन अ डिपॉजिटेड चेक गेट्स डिसऑनर्ड, When we receive the check, we pass this entry. ये एंट्री माइंड में रखोगे तभी इसे रिवर्स करोगे. ठीक है, और जब वो डिसऑनर हो जाएगा इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है. डेटर को दोबारा से अपना डेटर बना लीजिए और बैंक के बैलेंस को कम कर दीजिए. सो दैट्स व्हाई वी विल बी राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड आई विल राइट बाय कुनाल. जब मैंने रिसीव किया था तो मैंने टू कुनाल लिखा बैंक कॉलम में. अगर वो डिसऑनर हो गया है तो मैं क्या लिखूंगी? बाय कुनाल बैंक कॉलम में. एनी डाउट एनी वन? व्हाट वॉज इट? क्या लाइन का नाम है? कौन सी लाइन डिस्कस करी मैंने? फ्रेम इट, नरेशन. चलो फ्रेम को. इसकी नरेशन क्या है? बैंक टू कुनाल. चलो अक्षर से इसकी नरेशन बोलो. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कुनाल. पूछा बोलो. बीन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुनाल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. ये कंप्लीट नरेशन. अगर मैं इसे रिवर्स करूं, क्रिश वे कुनाल टू बैंक, व्हाट विल बी द नरेशन? बिल्कुल ठीक. बीन डिपॉजिटेड चेक दिस ऑन बीन चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक नाउ डिसऑनर. कुछ भी नहीं. आगे चलते हैं. नाइन्थ पॉइंट वी आर राइट राइट. यस, अगला पॉइंट अच्छा बनाया. वी इशू अ चेक टू आवर क्रेडिटर. समृद्धि आपने बोलना है. क्रेडिटर का नाम क्रिश बेरी है. आई इशू द चेक टू क्रिश बेरी. क्या एंट्री होगी? बिल्कुल जी, क्रिश टू टू
को दिया था वो डिसऑनर हुआ। कृष्ण मेरे को फोन पे बोला जो आपने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, शायद आपके साइन नहीं मिल रहे, बैंक का बैलेंस है आपका उसमें आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है लेकिन आपके साइन नहीं मैच हो रहे। तो आप कल मेरे बैठे बैठे बैंक में एक फोन ऐसा किया मैनेजर ने किसी क्लाइंट को कि आपके चेक पे साइन मैच नहीं हो रहे, यू जस्ट कम टू बैंक एंड जस्ट रीन्यू द चेक। कुछ सालों के बाद हमारी हैंडराइटिंग में थोड़ा बहुत चेंज आता है, जैसे आई ओपन द अकाउंट ऑफ माई सन इन द एज ऑफ 13 or 14 एंड नाउ ही इज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, तो हिज साइन गॉट चेंज्ड। फॉर दैट आई विल बी गोइंग टू द बैंक विद हिम एंड ही विल बी फिलिंग अ फॉर्म एंड ही विल बी रीन्यूइंग हिज साइन, और उस साइन को स्कैन करके उसके अकाउंट के साथ अटैच कर दिया जाएगा। सो देयर इज अ ऑप्शन, यू कैन गेट योर साइन चेंज्ड। ठीक है, फिलहाल अगर नहीं मिलता तो चेक की पेमेंट रुक जाती है। तो ये भी कारण यही रहा कि मेरे बैंक में पैसे तो हैं लेकिन मेरे साइन नहीं मैच हो रहे, तो उस केस में वो चेक क्या हो गया डिसऑनर। अब क्या करूं उसको रिवर्स एंट्री फिर से। ठीक है, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिश मींस मैंने अपने क्रेडिटर को दोबारा से अपना क्रेडिटर बना। जब मैं डेटर के केस में दोबारा उसे अपना डेटर बना लेती हूँ तो यहाँ पे भी तो उलट होना चाहिए। ठीक है, देखो यही लिखा जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, व्हेन एन इशूड चेक टू क्रेडिटर इज रिटर्न्ड डिसऑनर, मेरे को वापस आ गया, कृष्ण ने मेरे को चेक बाय पोस्ट वापस भेज दिया कि इस चेक की मेरी पेमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन, वो बैंक में गया, बैंक वालों ने बोला कि हम नहीं पेमेंट देंगे, ये तो साइन है किसी और बंदे के लगे। ठीक है, उस बंदे के साइन नहीं है जिसने आपको चेक दिया है। सो इट इज डेबिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश फ्लो, उलट बोला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रिश होगा, सो इट इज टू बी रिटर्न ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ कैश फ्लो एंड यू विल बी राइटिंग इट इन द बैंक कॉलम एंड यू विल बी क्रेडिटिंग योर क्रेडिटर। ठीक लिखी लाइन, सो दिस 9th पॉइंट इज डन। ऑपोजिट है ना मेनली पॉइंट, अगर पहला पॉइंट कैश के बैलेंस का था तो सेकेंड पॉइंट बैंक के बैलेंस का था, अगर थर्ड पॉइंट रिसिप्ट का था तो फोर्थ पॉइंट कौन सा था, पेमेंट का था। सो एवरी टाइम ही इज डिस्कसिंग टिल नाउ ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक, आगे चलते हैं 10th, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्स्ड चेक। चलो जी अभी सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक मींस, नहीं ऐसे थोड़ा ना, यू आर ऑफ 11th क्लास कॉमर्स, 9th 10th नहीं है, नहीं क्लास है अगर बाकी सारे सुन रहे तो आपको क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ चेक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, अगर एंडोर्समेंट है डिसऑनर ऑफ चेक तो व्हाट इज डिसऑनर ऑफ चेक। चलो पूरा बात बोलो, बिल्कुल ठीक है जी। व्हेन आई ट्रांसफर माय चेक टू एनीबॉडी या एनी अदर पर्सन टू द थर्ड पर्सन, which type of check can easily be transferred, which type, let him speak, which, yes, bearer check, can I transfer the crossed check, can I transfer the account by check, no, account by check is on my name, how can I transfer to another person, you are getting me, or ye detail mein discuss ki hui hai baatein, aapne ek check kya kiya hai, endorse kiya hai, it is obvious for bearer check ko, theek hai, uska kya hua, this one, अभी बिगनिंग में आते ही मैंने ये बात करवाई, जब एंडोर्स चेक डिसऑनर होता है तो डेटर को दोबारा से अपना डेटर बनाइए, क्रेडिटर को दोबारा से अपना क्रेडिटर बनाइए, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये वो एंट्री है जो कैशबुक में नहीं आ रही, उसने भी तो यही लिखा। बोलो 10th पॉइंट इज डन, दिव्यांशु विल बी रिकॉर्ड दिस एंट्री, हाँ एंडोर्स। अब एंट्री बोलेगी क्या होगा, मैंने ट्रांसफर द चेक टू कुरकिरा, आई रिसीव द चेक फ्रॉम तनिषा, she gave me a bearer check on my request, मैंने बोला मेरे को bearer check देना, मैंने खुद पैसे रखने नहीं है, मैंने गुरकिरत को देने हैं, so I will transfer that check to गुरकिरत, I received from Tanisha, आपने पहले उसकी entry बोलनी है, हाँ, क्यों नहीं हुआ, जब मैंने Tanisha से check receive किया तो entry क्या हुई, नहीं, entry तो हुआ, entry, each and every transaction is being recorded in journal, मेरा तो फिर रूल ही डिनाई हो जाएगा अगर मैं एंट्री नहीं करती, एंट्री तो करूंगी, कैश बुक में नहीं आनी बेटे, फर्क है ना, एंड जर्नल एंट्री तो होनी, आई एम आस्किंग जर्नल एंट्री, आई रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम तनिषा एंड द चेक इज बेयरर, नो नो नो, कल समझा के गई थी बेयरर चेक इज सेम एज ऑफ, यस बेयरर चेक इज सेम एज ऑफ कैश, यू टेल मी द एंट्री में, आई रिसीव्ड अ बेयरर चेक फ्रॉम तनिषा, I'm clarifying it, I'm specifying it. Bearer check from Tanisha. Cash to Tanisha. Same bearer check I transfer to Gurkirat. Aap bolo. Gurkirat ko wo check, bearer check transfer kar diya jo Tanisha se mila.
Yes, Gurgirat ki clash. Gurgirat informed me about the dishonor of the check. Yes, Tanisha account debited to Gurgirat. Cash to pehle cancel ho gaya. ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज आनी है, कैश बुक में नहीं आनी भाई। ठीक, और वो भी कब नहीं आनी, मैंने अभी बोला, जैसे वो कह रहा था कि मैम इधर कैश अकाउंट डेबिटेड होता निशा, ये मैं एंट्री कर सकती हूँ अपनी कैश बुक में, देन गुरत गिरत टू कैश, दिस आई कैन पास, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ना, ये मेरे को कैश आया और उसी दिन मैंने ट्रांसफर कर दिया गुरगिरत को, यू कैन स्किप इट इफ यू पास इट देन आल्सो इट इज ओके, सिर्फ ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स का चेंज हो जाएगा, आंसर तो सेम रहेगा, क्योंकि एक चीज आपने 500 अगर इधर डाली है तो 500 क्रेडिट साइड पे भी डाला, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट इज गोइंग टू नलिफाई द इफेक्ट, एंड व्हाट अबाउट दैट एंडोर्स्ड एट दिस ऑनर, दैट इज नॉट टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक एट ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शन, इट इज ऑप्शनल टू यू, यू कैन एंटर इट, यू कैन स्किप इट, ठीक है, आप इसे कैश बुक में लिख भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, आगे चलेंगे, और एग्जाम क्योंकि सब्जेक्टिव आने नहीं है, मैं वैसे क्या करती थी, एग्जामिनर को बता के आना है नोट लिख के कि ट्रांजैक्शन डेटेड ऑन दिस एंड दिस, वी आर नॉट एंट्री इन द कैश बुक, व्हाई, उसका साथ में कारण लिखना होता है, अब यही अजम्पशन रीजन भी आ जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना व्हाई इट इज मिसिंग, आगे चलते हैं, 11th पढ़ो सभी लोग, ओके, द चेक आई कॉल बेयरर चेक, That check he calls open check. तो उसका दूसरा नाम open check है. तो दो तरह के check हैं students. One is open check or I call it bearer check. Second is account pay. भी कहते हैं उसे. Crossed भी कहते हैं और शायद closed भी कहते हैं. क्योंकि open का opposite closed. Closed मतलब restriction लगी ना आपने किसी को transfer नहीं करना. Cross का मतलब restricted है. और अकाउंट पाई क्यों है, क्योंकि उस चेक के ऊपर ऐसे दो लाइनें लिखी जाती हैं और लिखा जाता है अकाउंट पाई वर्ड इन दैट टू पैरेलल लाइंस, उसका मतलब होता है द पाई का मतलब है टू हूम आई एम मेकिंग द पेमेंट, हु इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट, उसके अकाउंट में पैसे डालना, मेरे अकाउंट में से निकाल के उसे कैश नहीं देना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है, बैंक के काउंटर में जाके आपको कैश कभी नहीं देना, मान लो उसी बैंक का चेक है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो विद इन अ डे It got transferred. अगर outstation check है, I am at Jalandhar and I am receiving a check of some bank of Delhi, so it may take maximum 5 to 7 days. आज का सारा digitalized है, तो 2-3 दिन में भी payment हो सकता है. Even abroad का भी कोई check आ सकता है by streaming, so that also I can deposit. It may take 7 to 10 days. Getting it? But that will remain account pay, and you need to deposit that check into bank. Bank will transfer the amount from सेंडर टू योर अकाउंट, जिसने भेजा है उसके अकाउंट में से माइनस होके आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे प्लस, सो ही इज राइटिंग समथिंग अबाउट दिस बेयरर एंड ओपन चेक, लेट्स सी, व्हेन एन ओपनर बेयरर, यस, इसका तीसरा नाम ऑर्डर भी है, और ऑर्डर, हु गिव्स ऑर्डर टू हूम, आई व्हेन आई इशू अ चेक टू हिमांशु एंड दैट इज अ बेयरर और ओपन चेक, आई ऑर्डर टू बैंक टू ट्रांसफर द अमाउंट टू हिमांशु, मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए हिमांशु के अकाउंट में मेरा ऑर्डर, ठीक है, और ये बैंक को जाके वहां पे ऑर्डर करेगा, ये लो पकड़ो चेक और मेरे को कैश दे, मैंने बैंक को ऑर्डर किया बाय इशूइंग अ चेक एंड ही विल बी ऑर्डरिंग टू द बैंक अथॉरिटी गिव मी द चेक बिकॉज इट इज अ बेयरर चेक, सो तीन नाम है एक चीज के, बेयरर भी है, ओपन भी है और ऑर्डर चेक भी है, और वो कौन सा है, ऑर्डर पे जितना मर्जी ऑर्डर कर लो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे अकाउंट में जाएंगे, So that's why that is named as account pay check, cross check or close, right? पढ़ो चिपट से लाइन। Definition आ सकती है इनकी। ये मत सोचना कि ये तो कहीं पे किया ही नहीं है। So this we are elaborating in cash book. Anyway, it can be asked in the paper. When an open bearer or order check is received by a customer and neither in cash nor deposited into bank. पहली लाइन में रुकते हैं। आपको एक चेक मिला, bearer। आपने ड्रॉअर में संभाल के रखी है या पॉकेट में रखी है, ट्राउजर वॉश हुआ और वो वॉश ही हो गया, आपने बैंक में भेजेंगे, यू डिडंट डिपॉजिट इट इनटू द बैंक, यू नेवर गेट इट इन कैश, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो क्या लिखा है, चेक इन हैंड इज डेबिटेड एंड कस्टमर इज क्रेडिटेड, जब आपको मिला, आपने बैंक में नहीं भेजा, आप पैसे नहीं निकलवाने गए, लेकिन क्योंकि बैंक में नहीं भेजा तो उसे चेक इन हैंड मानना, जब आपने रिसीव किया होगा, एवरी डे यू पास एंट्री, that person sent a check to you and it is a bearer check, definitely you will be treating it as a check in hand, kyunki aap jab aap bank mein nahi bhejte ho to usse check in hand mante hain,
ठीक है, एंट्री बनी होगी चेकिंग करंट अकाउंट डेबिटेड टू माय कस्टमर, आमतौर पे मेरा डेटर ही मेरे को पेमेंट करता है, होगा क्या, व्हेन दिस चेक इज इन कैश एट द काउंटर, जब आप गए थोड़े दिनों के बाद आपको याद आया कि मेरे पास तो एक ड्रॉअर में चेक पड़ा है, अब ड्रॉअर में से कोई और पेपर ढूंढ रहे थे, आपको चेक मिल गया, ठीक है, आपने इमीडिएटली अपने पियोन को बुलाया और उस चेक को बैंक में भेज दिया, व्हिच टाइप ऑफ चेक इट वॉज बेयरर, काउंटर पे पेमेंट मिल जाएगी, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, विल यू एग्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, आपने चेक बैंक वालों को पढ़ाया, उन्होंने आपको कैश दे दिया, मेरा पियोन कैश लेके आ जाएगा, ठीक है, तो क्या लाइन क्या बनी, क्या है इसका हेडिंग, व्हेन यू रिसीव अ ओपन और बेयरर चेक, you didn't deposit it to the bank on the same day, after some days you just recall, theek hai, you find that check lying in your drawer, you just send it to the bank through your peon, as it is a bearer check, on the counter payment milni hai, aapne check de diya, credit word goes out, aaya kya, debit word comes in cash, mera peon cash leke aa jayega, main usko bolungi ja cash le aa bank se, check mein 50,000 likha, I will bring 50,000, I will be keeping that cash in my cash box, right, देखो यही लिखा, when this check is in cash at the counter, cash account is debited and check in hand is credited, but if this check is deposited into bank, bank is debited and check in hand is credited, अगली लाइन का मतलब क्या, when this check is deposited into bank, अगर उसी दिन इसको सेम डे लिखना चाहिए था, इसको सेम डे लिखना चाहिए था, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, अगर ये चेक कौन सा है, क्लोज, अगर ये चेक क्लोज है तो फिर अकाउंट में जाने हैं पैसे, फिर कैश नहीं मिलना है, इसको साथ स्पेसिफाई करना चाहिए, इफ इट इज द बेयरर तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड है, इफ इट इज एन अकाउंट बाय चेक तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड होगा, तो इट इज अ गुड पॉइंट, ओवरऑल दो पॉइंट डिस्कस हुए हैं इस पॉइंट में, 11 को करो स्टार बनाओ, कैसे क्रॉस का आगे लिखा है, वैसे बेयरर चेक क्यों डिपॉजिट करवाएंगे, बेयरर तो काउंटर पे पहले, हाँ पहले में लिखा द चेक इज इन कैश एट द काउंटर, आप ये बैंक, ठीक है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, डू यू नो दिस नाउअडेज यू आर नॉट डिपॉजिटिंग द चेक एट द काउंटर, यू हैव अ मशीन इन द बैंक, जो SBI में मशीन है वो चेक डिपॉजिट करवाने की, एंड दे कॉल इट स्वयं, स्वयं मींस अपने आप, ऑन इट्स ओन इट विल बी ऑपरेटिंग, यू विल बी इंसर्टिंग द चेक, चेक स्कैन होके आपके उधर आ जाता है स्क्रीन पे, फिर वो कहता है स्क्रीन पे जो चेक की अमाउंट है वो फिल करो, मैं टाइप करके अमाउंट फिल करती हूँ, फिर वो मेरे से डेट पूछता है चेक की, मैं वो लिखती हूँ, चेक नंबर पूछता है, मैं वो टाइप करती हूँ, फिर ऑथेंटिसिटी मिलती है और मेरे को रसीद मिल जाती है चेक की, ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग डिपॉजिटिंग, आई एम डिपॉजिटिंग, ठीक है, दो कारण हो सकते हैं, अगर मेरे को SBI में मेरा अकाउंट है और SBI का चेक मिलता है वो तो काउंटर पे मिल जाएगा, SBI में मेरा अकाउंट है और चेक यस बैंक का है, इट विल टेक टाइम, वो आपने यस बैंक जाके अगर आप निकलवाओगे तो काउंटर पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप SBI में जाके निकलवाओगे तो काउंटर पे नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम, दैट यू नीड टू डिपॉजिट, दो इट इज अ बेयरर चेक, प्रैक्टिकल होके सोचना, यस बैंक का मेरे को मेरे डेटर में चेक दिया और मैं यस बैंक मेरी रीच के बाहर है, नॉट इजिली एसेसिबल टू मी, आई जस्ट गो टू माई ओन बैंक एंड आई हैंड ओवर द चेक, या मैं मशीन में डिपॉजिट करवा देती हूँ, so that is the meaning of depositing the check, though it is a bearer check, agar bank different hai to aapko deposit hi karwana hoga, agar same check hai to counter pe jaake payment le lo, theek hai, to dono meaning clear hai, if you deposit it to bank ka balance badhega, agar aap counter pe payment dete ho to usi time mera payment cash leke aa jayega, then cash account debited to check in hand, ab agla point iska opposite hai, read it yourself, if the check is, Devanshu padhna hai agla point padhna beta, 12. If the check is crossed, read it. Akshay, padho aap. Sara kuch clear hai bas. Pehli do entry same rahi. You are receiving a check. Entry kya hogi? Check in hand account debited to customer cash book mein nahi aayega. Agle din bank mein deposit karwaoge, entry aayegi bank account debited to check in hand. और क्रॉस चेक कभी काउंटर पे कैश ही नहीं, खत्म बात, मतलब वहां पे कैश टू चेक इन हैंड तो कभी होना ही नहीं ना, बेयरर में कैश टू चेक इन हैंड होगा लेकिन क्रॉस में कैश टू चेक इन हैंड नहीं होगा, बिकॉज क्रॉस चेक्स आर नेवर बीइंग इन कैश एट द काउंटर, दैट यू नीड टू डिपॉजिट एवरी टाइम इनटू द बैंक, देन ओनली द मनी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर्स अकाउंट टू योर अकाउंट,
ठीक आगे चलते हैं। हाँ बेटा जी, वैसे तो ट्रिपल कॉलम भी होता है कैश बुक, लेकिन ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है, सो आई विल लीव दिस वन, यू विल गेट कंफ्यूज, छोड़ दो डिस्काउंट वाला कॉलम, छोड़ दो, हमारा डबल कॉलम ही है, हमें डबल कॉलम ही करना है। 14 पे आ जाइए। 14 पढ़ने से पहले आदित्य कपूर, बैंक चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंसेस फॉर इट्स सर्विसेस ₹250 जर्नल एंट्री, बैंक चार्जेस ₹250 फॉर इट्स नॉर्मल सर्विसेस जर्नल एंट्री, वेरी गुड। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कुछ लाइक एटीएम का ही मेरे से चार्ज कर रहा है तो ₹250 से एंट्री क्या आएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पेमेंट साइड पे, बाय वाले साइड पे आप बाय बैंक चार्जेस लिखेंगे और अमाउंट डिडक्ट करेंगे बैंक कॉलम में से, कोई भी गलती से इसे कैश कॉलम में नहीं डालो, क्योंकि बैंक वाले अपनी सर्विसेज का खर्चा मेरे घर आके नहीं लेते, मेरे अकाउंट में से काटो, दिस इज अ रूल, बैंक चार्जेस आर ऑलवेज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट, सो माय बैंक बैलेंस कम्स डाउन। 14th डन, 14th क्लियर है, आगे पढ़ो, फिर पढ़ो कुछ वो भी आता है आपको, रीड इट। 15th point everybody will read. Yes. 15th point everybody will read. Read it everyone. बिल्कुल ठीक है। When I receive a check from my debtor, I pass the entry bank account debited to debtor. जब वो dishonor हो जाता है तो हम entry क्या करेंगे? Debtor account debited to bank. Similarly, we issue a check to our creditor, creditor account debited to bank करते हैं, जब वो dishonor हो जाएगा और मेरा creditor मेरे को inform करता है तो bank account debited to creditor होगा। Is it clear? Done? करा हुआ है पहले से, आगे चलो। Interest charged by bank is an expense. Bank किस चीज के ऊपर interest charge करेगा? Bank overdraft balance के ऊपर, मैंने bank से loan लिया हुआ है उसके ऊपर, तो ये कौन से side पे आएगा? क्रेडिट पे आएगा भाई। डेबिट में डेबिट व्हाट कम्स इन है, क्रेडिट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट है। कैश बुक इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, कैश बुक इज अ रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता तो एक्सपेंस डेबिट पे आता, ठीक है, कैश बुक है रियल अकाउंट। दो वर्ड है, दोनों में डिफरेंस आपने बताना। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक या इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, दोनों में से कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट? टेल मी। चार्ज वाला डेबिट होगा, मींस वो एक्सपेंस है, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, मेरे अकाउंट में से कटेगा। कलेक्टेड का मतलब क्या है? बैंक ने मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, मींस मैंने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हुए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट आया और सीधा मेरे अकाउंट में जमा हो गया, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। या बैंक में मेरी एफडी पड़ी है या बैंक में मेरे डिपॉजिट्स पड़े हैं, मेरे डिपॉजिट्स के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, सीधा मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा पैसा। जब चार्ज है तो मेरे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। यू आर गेटिंग मी? अब और एक मैं वर्डिंग चेंज करती हूँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, व्हाट इट मींस? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, व्हाट इट मींस? इज इट एन इनकम और एक्सपेंस? क्लैरिफाई करते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इज इट माई इनकम और एक्सपेंस? Yes. If it is income, it is to be written on the debit side or on the credit side? Debit side. सारी income debit पे आनी भाई. Debit word comes in. अगर वो word लिखे interest debited by bank. Interest debited by bank. It is an expense. It is to be written on the credit side. I will be writing by interest and I will be writing it in the bank column. So this was your second last point. हाँ, मैंने अगला भी करवा दिया. Interest allowed by bank. Allowed का मतलब इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक टू अस, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, दिस इज टू बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ माय कैश बुक। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।